हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर पूजा खत्री और मैं आपको पढ़ाऊंगी नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी सब्जेक्ट. ओके, सो हम पढ़ेंगे आज वेरी बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें भी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेल. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? सेल पढ़ने वाले हैं. दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ सेल बायो हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में. सो बेसिकली व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, or you can say living being. Okay, so this is the definition of the cell. What is the definition of the cell? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग बींग. जितने भी लिविंग बींग्स आपके आसपास आप देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से बने हुए होते हैं. सो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी. सो डिस्कवरी किसने की थी इसकी? इसकी डिस्कवरी जो करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक. द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बताया कि लिविंग बींग्स जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं. बेसिकली इन्होंने एक प्लांट सेल को स्टडी किया. प्लांट सेल में भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे, कॉर्क सेल. प्लांट की बार्क जो होती है, बार्क कह लीजिए, बार्क को उन्होंने स्टडी किया थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप. उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने देखा उसके नीचे, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हनी कॉम की तरह दिखने वाला कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उन्होंने इसको नाम दिया सेल. नाम दिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और इस स्ट्रक्चर को एक कंपार्टमेंट की तरह उनको दिखा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ स्मॉल रूम्स उनको दिखे, और इस स्मॉल रूम्स को उन्होंने नाम दिया सेल. नाम दिया क्या? नाम दिया सेल. इसे हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल रूम. इट्स लाइक अ स्मॉल रूम. ओके, आई बात यहाँ पे समझ में? तो क्या कहना चाह रहे थे? रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल स्टडी किया और उन्होंने प्लांट सेल को भी स्पेसिफिक पार्ट जो था वो था बार्क, थ्रू अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप. उस समय पर कोई एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे. उस समय पर उन्होंने खुद का बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था उस पर उन्होंने स्टडी किया. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर? फाइन. सो ये उन्होंने बताया सेल के बारे में. बेसिकली ये जो सेल थी, प्लांट सेल जो थी, ये थी एक बार्क, थी छाल जिसको हम कहते हैं, और ये प्लांट है. इस प्लांट की जो छाल होती है स्टेम के ऊपर, वो उसे हम बार्क कहते हैं, और उस बार्क को उसने स्टडी किया था. और बेसिकली बार्क जो है, बाद में पता चला कि ये एक डेड सेल थी. ये क्या थी? एक डेड सेल थी. तो चारों तरफ से कवरिंग इन्होंने देखी. जो बेसिकली डेड सेल होती है उसकी कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल से बनी हुई रहती है. तो सिर्फ एक खाली कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया था जिसको उन्होंने क्या कहा था बच्चों? सेल कहा था. ओके, नाउ उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है
एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ जो थे ये एक सेकंड साइंटिस्ट थे आफ्टर द रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी यही स्टडी किया, लेकिन इन्होंने स्टडी किया था एक लिविंग सेल को स्टडी किया था। इन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया था और इन्होंने ही बताया कि सेल क्या होती है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया और स्ट्रक्चर इन्होंने कहा कि कुछ सेल होती है। इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उस ये कवर्ड होती है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। फाइन बच्चों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट हुक एंड द सेकेंड वन इज द एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, सबसे पहले की वेरी फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो वो पहले नाम होगा रॉबर्ट हुक। अगर कोई आपसे पूछे कि लिविंग सेल को किसने स्टडी किया था, सबसे पहले लिविंग सेल को स्टडी करने वाले थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। ओके, नाउ सेल को हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है, या फिर हम ये कैसे कह दें कि लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सारे के सारे क्या है, सेल से मिलके बने हुए हैं और उनकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, वाई हम उसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिससे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि विच वन इज द लिविंग बीइंग और विच वन इज नॉट। ओके, सो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। हम कैसे डिसाइड कर ले कि वो एक सेल है, हम कैसे कह दें कि वो एक लिविंग बीइंग है। अगर आपको किसी को लिविंग बीइंग आपको प्रूफ करना है तो आप कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले तो आप उसे बताओगे कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए, उसका जो वो उसके पास वो जो सेल है वो सराउंडेड होने चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंपल्सरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो सेल्स से मिलके बने हैं उन सेल्स के सराउंडिंग में, यानी कि वो एक किससे घिरे हुए रहते हैं, किससे सराउंडेड रहते हैं, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर वो सारा का सारा जो भी मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम बात करें कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करनी चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो ये तीन वेरी बेसिक क्राइटेरिया है कि जैसे सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते तो देख लीजिए, हम ये जानते हैं डीएनए एंड द आरएनए, ये क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस। ये हम बच्चों सब आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए को हम कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स, ये हम इसका फुल फॉर्म है। सो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है, सबसे पहला है डीएनए एंड सेकंड वन इज द आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि लिविंग बीइंग की
मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी और उसका पूरा स्ट्रक्चर जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, वो न्यूक्लियस कर, सॉरी वो कौन करता है डिसाइड, डीएनए या डीएनए करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बता चुकी हूँ कि जो सराउंडिंग होती है सेल की उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हमें सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में न्यूट्रिशन आ जाता है आपका, ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ठीक है, ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सप्रेशन एंड द अदर एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन जैसे आप कहिए, दीज आर द एक्टिविटीज जिससे कि हम क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हमें अगर सर्वाइव रहना है, अगर हमें हमें जीना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें खाना भी खाना पड़ता है, हमें सांस भी लेनी पड़ती है, हमें चलना फिरना भी पड़ता है, हमें सारे काम करने पड़ते हैं, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी करना पड़ता है। सो दीज आर द वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ द लाइफ। जिन भी ऑर्गेनिज्म में ये सारे प्रोसेस पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उन सभी सेल्स में ये बेसिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं सेल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन है वो ग्रो भी करती है, अगर उसको ग्रो करना है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, कोई वेस्ट मटेरियल बना है तो उसको बाहर भी निकालना होता है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, मूवमेंट भी उसमें होना चाहिए उसको ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है ना। रेस्पिरेशन भी करता है क्योंकि ऑक्सीजन हमें रिक्वायरमेंट है, हम ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, क्यों, क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहां पर कि क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता कोई, तो आज दूसरे प्लैनेट्स पे भी हम वहां पर बैठे होते, कई लोग बैठे हुए होते हैं वहां पर दूसरे प्लैनेट्स में भी, ठीक है। तो इसीलिए दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस जो कि किसी सेल में परफॉर्म होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, लिविंग बींग्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं, ये तो तीन बेसिक क्राइटेरिया हो गए, ओके। Now we move to the cell theory. हमने जो अभी बेसिक क्राइटेरिया की बात करी वो हमने कैसे डिसाइड किया, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कैसे हम किसी सेल को डिफाइंड कर सकते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर, इन अ साइंटिफिक मैनर में हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट के नाम हम फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले थे श्लाइडेन एंड 1838 एंड श्वान, दीज टू साइंटिस्ट। द श्लाइडेन वॉज बॉटनिस्ट and the Schwann was zoologist. What is the meaning of the botanist and the zoologist? Basically, biology की जब हम बात करते हैं, biology मतलब bio यानी कि living organisms, okay, living organisms two types के हो सकते हैं, या तो plant होगा या फिर animal होगा, ओके। प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जूलॉजी। जूलॉजी बॉटनी, बीओटी का मतलब प्लांट, ओके, जूलॉजी एंड जूलॉजी का मतलब जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी, ओके, यहां कोई दिक्कत है, फाइन। उसी तरह से सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल is called as cytology, cytology, okay।
सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ओके, सो प्लांट की स्टडी करने वाले को हम बॉटनिस्ट कहते हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी करने वाला होता है हम उसे क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं। सो द स्लाइडन एंड द श्वान, इन दोनों ने अलग अलग स्टडी किया, और अलग अलग स्टडी करके उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट ही सेड, द सेकेंड थिंग ही दे सेड, they said that a cell is a mass of, a cell is a mass of protoplasm fluid of cell is called protoplasm. A cell is a mass of protoplasm is containing nucleus is bounded by cell membrane. ओके, क्लियर है व्हाट दे सेड। स्लाइडन एंड श्वान बोथ, इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी करी, इन्होंने प्लांट पे स्टडी करी, इन्होंने प्लांट पे और इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी, एनिमल्स पे स्टडी करी, और दोनों ने मिलके फिर एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी दी। ठीक है, और वो सेल थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स थे जिसमें से फर्स्ट वन इज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells and a cell is a mass of protoplasm, जिसे हम कह सकते हैं fluid of cell containing nucleus is bounded by the cell membrane. Fine. Now again एक scientist आए और उनका नाम था Rudolf Virchow. ये जो scientist थे, इन scientist ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी व्हाट ही सेड दैट ही एक्चुअली एडेड जो सेल थ्योरी को उन्होंने एज इट इज रखा, इसको जस्ट एक मॉडिफाई करा और एक पोस्टुलेट एक और ऐड कर दिया। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड द सी, दिस इज द सी। ही सेड दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। What he said? That cells arise from pre-existing cells. Okay? So basically cell, what is the cell theory? Cell theory is, it tells about the cell in a scientific manner, and some of the scientists who said, who was there? Sladen and Swan, botanist and zoologist, दोनों ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिसमें से जो मेन पोस्टुलेट है वो ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। अगेन द नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस
सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया बाय द सेइंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. दैट मींस जो सेल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से ही कोई सेल्स थी, वो क्या उन्हीं सेल्स ने दूसरी सेल्स को क्या किया, ओरिजिन की ओरिजिनेट किया. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी. Now we talk about the cell size. Cell size के बारे में बात करें तो cell का size है वो vary करता है, vary from organism to organism. Different different organism में different different सेल का साइज देखने को मिलता है. बेसिकली ह्यूमन का जो सेल साइज है, ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल का एवरेज सेल की बात करें, सो 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर ये इसका साइज होता है एवरेज साइज की बात करें तो. अब हम बात करें लॉन्गेस्ट, पहले हम बात करते हैं लार्जेस्ट की बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल्स कौन कौन सी हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर. एनिमल्स के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, कोई बता सकता है, किसी को पता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ओके, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच 15 टू 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इनका डायमीटर होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का. एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है, और उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 50 टू 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ओके, अब हम प्लांट सेल की बात करें. प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एसिटाबुलेरियम, जिसका साइज होता है 6 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है. ओके, लार्जेस्ट सेल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट. सेल की लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो एनिमल के अंदर लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है, नर्व सेल होती है. कौन सी सेल होती है, नर्व सेल. वन मीटर इसकी लेंथ होती है. ओके, एनिमल सेल की. आप प्लांट की बात करें तो हेम्प फायर ये एक सेल होती है प्लांट के अंदर. ओके, अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की. स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है PPLO, प्लूरो. इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्लूरो निमोनिया लाइक. इनका नाम भी कभी कभार पूछा जाता है बच्चों, सो इसका नाम याद रखना PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. ये क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है. इसके भी अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा है,
0.1 से 0.3, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। दे आर वेरी टाइनी, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेल शेप। सेल शेप जो है इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शंस दे परफॉर्म। इट डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन इट परफॉर्म। बेसिकली जो उनका फंक्शन होता है उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उनके सेल का क्या होता है, शेप होता है। ओके, सो ये भी अलग अलग शेप में होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप के सेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, है ना, और डिफरेंट भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी हमें देखने को मिलती हैं, बट जो बेसिक उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, बेसिक क्राइटेरिया, दे फुलफिल द ऑल द क्राइटेरियाज, लाइक उनमें सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उनके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी उनको शो करना होता है। सो बेसिकली सेल शेप, शेप कैसा भी हो, शेप जो होता है डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पर, डिपेंड करता है जो वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ देयर आर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से हम देख लेते हैं। सबसे पहला है एलोंगेटेड शेप। किसमें देखने को मिलेगा एलोंगेटेड शेप? नर्व सेल जो कैसी होती है, इलांगेटेड होती है। कैसी होती है, हम बना के देखें। ये देखिए, ओके, दीज आर द इलांगेटेड सेल। ये नर्व सेल है, ये क्या है, नर्व सेल है। कैसी है, इलांगेटेड है। मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो कैसी होती है, वो कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। इन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स, जो कि ब्रेन, ये सेंसेशन को ले जाने का काम करती है। आप जो भी परफॉर्म करते हैं, आपको क्या परफॉर्म करना है, मान लीजिए मैं अपना लिख रही हूँ, लिखने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रेन को क्या देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। कमांड देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां तक कोई कमांड ले जाने वाला भी चाहिए। तो कमांड ले जाने वाला काम कौन करता है, ये नर्व्स करती हैं। दैट्स व्हाई दे इलांगेटेड। अगर ये छोटी छोटी होंगी तो बहुत सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इफ दे आर लॉन्ग, तो लॉन्ग होने पर ये इजीली एक साथ ही कमांड क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स व्हाई जो होती है, ये सेल्स जो होती है इलांगेटेड होती है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल शेप। ये किन में देखने को मिलती है, जर्म सेल्स होती हैं, जो गोनाड्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो कौन सी होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, और वो कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल शेप में होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। ओके, नाउ थर्ड है हेक्सागोनल। ये होती हैं लिवर सेल्स होती हैं। लिवर सेल्स का ह्यूमन के अंदर और कौन सी हो सकती है, स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप
ये स्फेरिकल शेप जो है ये किस में होती है, ये होता है एक्स के अंदर। एक्स जो आपने देखे हैं जो नॉर्मली आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट राउंड शेप हो सकता है, डिस्कॉइडियल शेप होता है, डिस्कॉइडियल शेप बेसिकली किसका होता है, डिस्कॉइडियल शेप होता है कुछ इस तरह से होता है, ये होती है आरबीसी। ओके, और किसी में तो किसी का तो शेप भी नहीं होता है, जैसे कि इररेगुलर शेप जिसको हम बोलते हैं इररेगुलर शेप, यानी कि वो अपना शेप जो होता है हमेशा चेंज करता रहता है, कोई शेप स्पेसिफिक नहीं होता है। फॉर द एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पता है आपको, डब्ल्यूबीसी इज अ, एक तो होती है आपकी बॉडी में सेल्स टू टाइप्स की होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड द सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो आपका इम्यून सिस्टम बनाती है, ब्लड वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो ये दोनों जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं शेप में, इररेगुलर, इनका कोई शेप नहीं होता है। फाइन, अब हम आगे मूव करते हैं।